अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े का गजरेला। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इसको बनाने के लिए क्या करना है, चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन 3 लीटर जो है वो दूध ले लिया था, फ्रेश मिल्क लिया है मैंने। ये डब्बे का दूध मैं नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और पक पक के बिल्कुल ही अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है। तो ये तकरीबन मैं 3 से 4 जो है वो छोटी इलायची इसमें डाल दूँगी। इलायची से यह है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इलायची हर मीठे में ही तकरीबन डलती है। ये आप इस तरह खोल के आप जो है इसके दाने डाल दें। अच्छा, ये तकरीबन 3 मुट्ठी मैंने चावल लिए थे। आम नॉर्मल जो घर में चावल पकाते हैं खाते हैं, ठीक है, तो वो बस 1 मिनट के लिए मैंने उसको रखा था उसके ऊपर, इसमें डाल के ड्राई मसाले जिसमें हम ग्राइंड करते हैं, तो उसमें हमने बस 1 2 सेकंड के लिए मैंने बटन प्रेस करके तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप इनको जो है वो भिगो के रख लें, लेकिन इसको हमने पकाना ही इतना है कि ये खुद ही इसमें हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये गिरी डालूँगी, ठीक है, ये ड्राई कोकोनट है और ये हमने इसमें डाल देना। ये इसके पकते साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है तो अच्छा सा इसका इसमें फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें वक्तन फ़वक्तन आते जाते हम इस तरह चम्मच चला लेंगे। चम्मच और देगचा हमने अच्छे से धो लेना, इसलिए कि हम मोस्टली इन्हीं चीज़ों से, इसी डोई से और इन्हीं पतीलों में, देगचों में हम खाना बनाते हैं। तो मीठे में अगर कोई ऑयल का या कोई किसी मसाले का, नमक मिर्च का टेस्ट आ जाए तो वो बहुत ही मतलब मीठा, तो फिर जायका उसका ख़राब हो जाता है। तो हमने नीम गर्म पानी से पहले हमने इस देगची को दोबारा से धोया, नीम गर्म ही पानी से हमने इस डोई को भी दोबारा धोया। तो इससे क्या कि हम श्योर हो जाते हैं कि अब इसमें से सालन का या हंडिया का टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब क्योंकि हमने मीठा बनाना है तो अब हम वक्तन फ़वक्तन इसको पकने देंगे, आते जाते हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो आपने भी जब भी आप बनाएं तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आते जाते इसमें जो है चम्मच चलाते रहें, फिर नेक्स्ट तो बाद में बताती हूँ। अब ये हमारी जो हमने इसमें चावल और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई तो वो हमने डाली हैं, तो इसका कलर जब वाइट से ऑफ वाइट होने लगे, जैसे ये देखें साइडों से भी पता चल जाता है कि अच्छे से कितनी देर मतलब पका है अच्छा खासा, तो मैं इसमें तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की जो है वो गाजर ये इस तरह बारीक बारीक जो है वो कद्दूकश करके डालूंगी। बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गाजरें डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ही रेड रेड कलर अच्छा नहीं लगता। गाजर के हलवे में और गजरेले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इसमें गाजर थोड़ी ही डलती है, या शायद मेरा अंदाज़ है इस तरह से पकाने का। तो अब जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का, तो वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पका के हमें देते, उनका अपना टेस्ट होता है, हम उन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं और हम वही चीज़ें खा पी के हम मतलब इतने शौक से तो आते हैं कि जी हमने आज बाहर खाना खाया, बड़ा मज़े का था ये वो। तो हर बंदे का पकाने का, कुकिंग का स्टाइल अलग होता है और हर बंदे के हाथ में टेस्ट भी अलग होता है। तो ये मैंने 2 गाजरें मैंने इसमें डाल दी हैं, हल्का हल्का रेड सा कलर इसका आ जाएगा। तो इस तरह हमने जिस तरह हल्की आंच पे पहले बाकी चीज़ों को डाल के हमने पकाया था, अब हम कुछ देर इसको पकाते रहेंगे और वही साथ साथ हम जो है ना इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और बाकी मेवा जात भी आप काट लें, पिस्ता काट लें, बादाम काट लें, हमने इसमें गिरी डाल दी है और बस यही डलते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ऊपर जो भी आप लगाना चाहें डेकोरेशन में, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो बाकी हम इसको हल्की आंच पे इसी तरह से आते जाते हम इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हमारा गजरेला भी जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें जी गजरेले की फाइनल शक्ल, जब ये इस तरह से ऊपर मलाई मलाई आने लग जाए तो ये समझ लें कि हमारी जो खीर है या हमारा गजरेला जो भी हम बना रहे हैं तो वो बिल्कुल तैयार है। हम साथ साथ इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। इस स्टेज पे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 2 कप चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी आप टेस्ट भी कर सकते हैं इसी स्टेज पे। इस यहाँ पर जब थोड़ा गर्म होता है तो इसमें हल्का सा तेज़ मीठा होना चाहिए क्योंकि फिर जब ये ठंडा होगा तो वो मीठा अपने लेवल पे आ जाता है। तो चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो हम ज़्यादा अगर इसको पकाएंगे तो नीचे से लगने का भी खतरा है।
अच्छा जी, ये हमने अपना गजरेला जो है वो डिश आउट कर लिया। ये मैंने मेवा जात काटे थे, बादाम और पिस्ता। तो आप चाहें तो बादाम बीच में भी डाल सकते हैं, मैंने बीच में नहीं डाले, तो मैं इसको ऊपर ही इस तरह से इसके गार्निश कर दूंगी। ज़रा बड़ी अच्छी सी वो शक्ल आ जाती है और मज़े के भी लगते हैं खाने में, बीच में भी डलते हैं मज़े के लगते हैं वो भी। और इसी तरह से आप भी बनाएं, अपने बच्चों के साथ खाएं खिलाएं, और जिसका मर्ज़ी आप प्याला बना के भी रख सकते हैं, नेबर्स का, बच्चों का, और इस तरह से। तो खैर, काफ़ी मेहनत की और बनाया गजरेला, और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का बनेगा। इसी रेसिपी के साथ आप भी बनाएं और बनाने के बाद कमेंट्स में बताएं कि आपने कैसा बनाया, कैसा बना। और इसके साथ साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आबाद रखे। मैंने सोचा कि चलिए मैं मीठा भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं जब से रेसिपीज़ बना रही थी तो मैंने कोई मीठी चीज़ नहीं बनाई, तो चलिए आज मीठा भी हो गया। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी इजी रेसिपीज़ बना के सबके साथ शेयर करती रहूंगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी किसी भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।